ज़िंदगी में मेहनत आपको इतनी करनी चाहिए कि टाइम आने पे आप बैठ के सिर्फ इंजॉय करें। इस टाइम मैं बैठ के कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ एक खूबसूरत व्यू के साथ। ये प्रॉबेबली टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क दुनिया की उन शायद इक्का दुक्का जगहों में से एक है जहाँ सारी दुनिया आना चाहती है, सारी दुनिया आना चाहती है। और मैं पिछले कोई आई थिंक 4 दिन से न्यूयॉर्क में हूँ। मैं प्रायोरिटीज़ देख रहा था अपनी, शायद आज से अगर 5-6-7 साल पहले मैं न्यूयॉर्क आता तो शायद आते साथ ही मैं अपना सामान ड्रॉप करके फॉरेन टाइम्स के आ जाता और ये व्यू देखता। लेकिन जो मकसद था यहाँ पे आना या है वो T20 वर्ल्ड कप है। आते साथ ही अपने इंपॉर्टेंट काम पहले किए 3-4 दिनों में। जब भी आप कोई इवेंट कवर करने जाते हैं क्रिकेट का, फॉर्मेलिटीज होती हैं छोटी छोटी, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, आप जाते हैं अपना मीडिया कार्ड पिक करते हैं, ग्राउंड देखते हैं, रैकी करते हैं, रूट्स देखते हैं, सिम लेते हैं, इंटरनेट मेक श्योर करते हैं, यू नो आप घूमते हैं अपने काम की जगहों में, ताकि जब आप प्रॉपर वर्ल्ड कप शुरू हो जाए जैसा कि अब हो चुका है तो फिर आपको इन एंड आउट्स पता हो जगहों की। उसके बाद जब आप ईजी हो जाए फिर आप इन जगहों पर आते हैं अयाशी करने, और अयाशी करनी चाहिए, फ़न करना चाहिए। पर अगेन जैसे मैंने वीडियो में कहा है कि आपको एक टाइम पे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप बाद में बैठ के उसका फल खाएं। अभी मैं यहाँ बैठ के कुछ खा तो नहीं रहा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठ के अपनी मेहनत का फल ही खा रहा हूँ। आप में से बड़े लोगों को याद होगा अगर सुबह 5 बजे सर्दी में फोग में मैं बाहर निकल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब वो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने जो अनाउंस किया है वो मैं दोपहर को भी वीडियो बना सकता हूँ, सुबह भी बना सकता हूँ, लेकिन न्यूज़ का मकसद सिर्फ तभी है जब आप उसको फौरन दें। तो आपको फौरन न्यूज़ देने के लिए ना मैंने देखा सुबह 5 बजे हैं, सुबह 4 बजे हैं। और हमेशा जो लोग मेरी ज़ुबान समझते हैं, पाकिस्तान ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, अफ़गानिस्तान ऑडियंस है, नेपाल ऑडियंस है, बांग्लादेश में काफ़ी लोग मेरी ज़ुबान समझते हैं, कोशिश की कि हमेशा आप लोगों के कंट्री से रिलेटेड तमाम ख़बरें आपको दी जाएं और आपके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के मैचेस के ऊपर एनालिसिस भी किया जाए। कभी कुछ मिस करने की इंटेंशंस नहीं रहीं, काफ़ी मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि कितनी वीडियोस मैंने पिछले स्पेशली 1.5-2 साल में की हैं, बट ये मुझे पता है कि कम अज़ कम 1.5-2 हज़ार तो की होंगी यार, शायद इससे भी ज़्यादा, और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं मेरी फील्ड में, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर यू नो किसी दिन आपका मूड ऑफ है, आपका किसी दिन घर वालों से कोई फट है, किसी दिन आपका कोई दोस्त यार आपसे नाराज़ है, आप बीमार हैं, आपके घर में कोई मसला है, सब कुछ होगा, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। आपका सख्त मूड ऑफ है, चेहरे पे स्माइल लाएं और काम करें। मैंने ये सीखा था पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर उमर शरीफ साहब का। मैंने एक जियो न्यूज़ पे एक शो आता था, इंटरटेनमेंट शो था, उसकी शूटिंग थी यहाँ लाहौर में, नूर जहाँ की बर्थडे के लिए एक स्पेशल शो था। तो उमर अजीज़ साहब जब आए वॉक करके अंदर तो वो बहुत बीमार थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। ये शायद मैं छोटा सा था जबकि ये बात है, शायद मैं 14-15 साल का होऊंगा, लाहौर में ये शो था, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने आवाज़ लगाई एक्शन, उनके चेहरे पे एक स्माइल आई, वो इतने प्रोफेशनल होके उन्होंने अपना शो शुरू किया। और मेरा उस दिन वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार ये है मेहनत, ये है करियर, ये है लाइफ, ये है प्रोफेशनलिज्म, कि जैसे ही आपके काम का टाइम आया सब कुछ साइड पे करके यू गो एंड यू नो जस्ट डू योर वर्क। सो वही किया है, वही लेसन है। मुझे अभी भी बड़े कमेंट आते हैं कि यार मौजें हैं, USA पहुंच गए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में ना एक वर्ड यूज़ होता है यार, इसका तो फुदू लग गया। फुदू का मतलब होता है कि इसका मुफ्ता लग गया, इसने कुछ नहीं किया और ये एम ही चला गया। लोगों को पता नहीं है कि ये जो ज़िंदगी अब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, ट्रैवल करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, UAE, अब USA, टर्की, श्रीलंका, ओमान, कहीं भी, उसके पीछे बड़ी कमर तोड़ मेहनत है यार। 2013-14 में
मुझे याद है पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे भाई, दोस्तों से पेट्रोल के पैसे लेने, घर वालों से पैसे लेने, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज करने जाना, क्लब लेवल के क्रिकेटर्स के, बड़ी मेहनत है। तो एमी अल्लाह कभी भी किसी को एमी नहीं देता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मेहनत का जो फल है ना, जो मेहनत का फल है, वो अल्लाह ने कभी नहीं रोका। चाहे आप जहाँ से मर्जी हैं, अगर आपने मेहनत की है तो ऊपर वाले ने आपको उसका फल देना है, चाहे उसमें देर हो जाए, लेकिन वो फल आपको लास्ट में मिलेगा। सो बस एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जब ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा US में वर्ल्ड कप का, उसके बाद जाके मज़ीद मेहनत करेंगे, मज़ीद काम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम मज़ीद क्रिकेट कवर करें और जहाँ वो क्रिकेट का इवेंट हो रहा है उस जगह को इंजॉय भी कर सकें। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।